गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक और गेम प्ले में। आज हम एक ऐसे रोबोट का सामना करने वाले हैं जो हमारे शहर को तबाह करना चाहता है। पता नहीं उसे यहाँ पर कौन लेकर आया है। चाहो तो आप उसे सामने वाली बिल्डिंग पर खड़े हुए देख सकते हो। रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो गाइस ये कितना बड़ा है और इसके सामने तो चोपर भी कितना छोटा लग रहा है। अब मेरे को सोचना होगा कि आखिर मैं इसे मारूं कैसे। अबे चोप घर के अंदर जा, यहाँ पर खतरा है। ओके भाई, लेकिन पहले आपको छत के ऊपर से पानी के अंदर कूदना होगा। लेकिन तेरे को मेरे साथ कूदना होगा। हाँ भाई पहले आप कूदो। चल ठीक है, तू मेरे पीछे पीछे आ जाना। चलो इस बहाने में नहा लिया, अब चोप तेरी बारी है। चल आजा जल्दी नीचे। भाई मैंने तो आपको बुद्धू बना दिया। अबे साले तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा, अभी तो मेरे को शहर को बचाने जाना है। ऐसा करता हूँ पहले पानी से बाहर निकल जाता हूँ। अब इस कार के अंदर बैठकर माइकल के घर पे चलते हैं। काश ट्रेवर भी हमारे साथ होता तो उस रोबोट को मारना थोड़ा आसान हो जाता। ओके गाइस तो हम माइकल के घर पहुँच गए, अब जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। पर मेरे को यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा। चलो कोई तो मिला। हेलो अमांडा भाभी, माइकल कहाँ पे? वो ऊपर अपने रूम के अंदर है। ठीक है मैं जाता हूँ। गाइस मैं तो भूल गया उसका कमरा कौन सा है, शायद ये वाला होगा। अबे ये ट्रेवर यहाँ पे कब आया? बस थोड़ी देर पहले। भाई मेरे को तुम दोनों से कुछ काम था। हमारे शहर पर एक रोबोट ने हमला कर दिया, मेरे को तुम दोनों की जरूरत है। भाई हम दोनों तेरे साथ हैं, पर हम उसे मारेंगे कैसे? तुझे याद है किंग कॉन्ग ने एक रोबोट को मारा था? हम उसे पानी में से ढूंढ कर बड़े वाले रोबोट को मारने के काम में लेंगे। भाई तेरा आइडिया तो कमाल का है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अबे ट्रेवर गिर जाएगा तू। नहीं भाई आज मैं खड़ा होकर जाऊंगा। चल ठीक है तेरी मर्जी। चलो गाइस ट्रेवर के साथ थोड़ा प्रैंक करते हैं, मैं इस कार को भेड़ने वाला हूँ। अबे ये कैसे बच गया? भाई मैंने बोला था ना मेरे को कुछ नहीं होगा। यार इस बार ये तो और ऊपर चढ़ गया। वेल डन। चलो छोड़ो इसको, हम उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमें रोबोट को ढूंढना है। चलो जल्दी से उतर जाओ और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। गाइस एक बात तो मानना होगा, ये दोनों कितने भी बुरे इंसान क्यों ना हो लेकिन अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ते। अबे हटे ना साइड में। अरे भाई भिड़ो मत, शांति से खड़े हो जाओ। ओए बंद करो ये नौटंकी। ये बताओ तुम दोनों में से पानी में कौन जाएगा? नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर ट्रेवर को जाना होगा। भाई मेरे को तो तैरना नहीं आता। अबे फिर जाएगा कौन? भाई हमारी जगह तू चला जाना। चलो गाइस अब मेरे को ही जाना होगा, बस ये पानी ठंडा ना हो। यार ये पानी तो सच में ठंडा है। गाइस इससे पहले कि मेरी बर्फ जम जाए मेरे को जल्दी से उस रोबोट को ढूंढना होगा, पर वो तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आ रहा अब कहाँ जाऊँ। चलो पानी की ओर गहराई में चलते हैं। रुको पहले इस मछली की बैंड बजा दूँ। यार ये तो भाग रही है, चलो भाग जाने दो। ओ माय गॉड गाइस मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैंने सच में इस रोबोट को ढूंढ लिया और इसके अंदर तो लाइट जल रही है, शायद इसके अंदर अभी भी पावर मौजूद हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है, पानी के अंदर ये बच कैसे गया? चलो इसे बाहर लेके चलते हैं। ओके गाइस तो काफी मेहनत के बाद मैं इसको बाहर लाने में कामयाब हो गया। अब सबसे पहले इसके सिग्नल को चेक करते हैं। गाइस इसके अंदर से तो कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। चलो थोड़ा नजदीक जाकर देखते हैं। अब मेरे को समझ में आ गया इसको ठीक कैसे करना है। मेरे को पहले इसको पूरा रिस्टार्ट करना होगा, शायद ऐसा करने से ये जाग जाए। पर मेरे को इसके वायर नहीं मिल रहे। अबे यार मेरे को मिल गया। ओके अब मैं इसको जोड़ने वाला हूँ। अरे बाप रे ये तो सच में ठीक हो गया, पर मैं इसे अभी काम में नहीं ले सकता क्योंकि इसे चार्ज होने में टाइम लगेगा। अभी इन लोगों को देखो, रोबोट दिखाने और फोटोज लेने लग गए। रुको इसकी तो मैं फोटोज निकालता हूँ। साले टकले तेरे पास बनियान नहीं है और तू आईफोन लेके घूम रहे। अबे तूने मेरे को मारा, ये ले एक और ले, इसको अलग से कहना पड़ेगा। चल माइकल अंदर बैठ जा, हमें जल्दी से उस दानव रोबोट के पास जाना है, वो जरूर मिलिट्री बेस गया होगा। ट्रेवर तू तैयार है ना? हाँ भाई मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे बाप रे गाइस वो रोबोट तो सामने ही है और देखो यहाँ पे कितने सारे सैनिक आ गए, पर मेरे को इनकी सहायता की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अकेले ही काफी हैं। अबे फ्रैंकलिन तू गलती कर रहा है पास में जाकर। अबे चिंता मत कर, बस उसके ऊपर गोली चला देना। ठीक है भाई मैं ऐसा ही करूंगा। अबे ट्रेवर गोली चला। भाई मेरे को मशीन गन चलाना नहीं आता। अबे पागल जल्दी चला नहीं तो हम सब मर जाएंगे। ठीक है भाई मैं कोशिश करता हूँ। अबे जल्दी कर जल्दी कर। अबे ये क्या हुआ? गाइस मेरे को लगता है ट्रेवर मर गया, ये तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। रुको मेरे को उतर कर देखना होगा, लगता है ये तो सच में मर गया। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, उसने तो माइकल को भी मार डाला। गाइस मेरे को नहीं लगता मैं इसको हरा पाऊंगा, ऐसा करता हूँ यहाँ से भाग जाता हूँ। अबे ये तो मेरे को अभी भी मार रहे हैं, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब तो मैं इसको मार के ही जाऊंगा। और ये अभी उसको क्या होने लग गया, मेरे को लगता है वो फटने वाला है। नहीं ना यार वो तो ठीक हो गया। सर मेरी हेल्प करोगे? हाँ बोल क्या करना है। मुझे आपके कुछ लोग चाहिए। ठीक है पर इनका ध्यान रखना। चलो भाइयों आ जाओ मेरे पीछे। ओके गाइस अब मैं अकेला नहीं हूँ, देखो मेरे साथ कितने सारे लोग हैं। मतलब थे नहीं, अभी भी कुछ लोग हैं।
नहीं ना यार, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। गाइस अब मेरे को लगता है ये फाइटर प्लेन इस मॉन्स्टर रोबोट को मार सकता है, बस मेरे को इसको बॉम्ब से उड़ाना होगा। अरे बाप रे, बाल बाल बचा, अभी तो मैं उससे टकरा जाता। गाइस अब मैं लगातार गोलियां चलाकर इसको तब तक भूनता रहूंगा जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। रुको, इसके ऊपर रॉकेट छोड़ता हूँ। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? मेरे को जल्दी से बाहर निकलना होगा। अबे ओए ओए ओए, बच गया। गाइस मैंने सभी तरह की कोशिश कर ली पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे मारूं। गाइस देखो सामने हमारा रोबोट हमें बचाने आ गया। अब जल्दी से इसके अंदर घुस जाता हूं क्योंकि मेरे को इसको कंट्रोल करके उस मॉन्स्टर रोबोट को खत्म करना है। देखो गाइस मैं कैसा लग रहा हूं। अबे अबे, मैंने तो इनको मार डाला, अब इस रोबोट को मारूंगा। देखो ये कैसे मेरे ऊपर रॉकेट की बारिश कर रहा है, पर अब मेरी बारी। गाइस इसकी तो वाट लग गई, ये तो मेरा एक वार भी नहीं झेल पाया। देखो मैंने इसके कितने सारे टुकड़े कर दिए। चलो इसको नजदीक से देखते हैं। अबे ये क्या, ये तो वापस से जुड़ गया, पर मैं दोबारा से इसे तोड़ दूंगा। यार ये तो गोल गोल घूमने लग गया, मेरे को लगता है मैंने इसका दिमाग खराब कर दिया। पर शायद इसका आधा पार्ट अभी भी जिंदा लग रहा है। चलो इसके और टुकड़े करते हैं। देखो इसके अंदर से तो क्या क्या निकलता जा रहा है। ऐसा करता हूँ इसको पूरा उठाकर पानी के अंदर फेंक देता हूँ। ये वाला कैसे रह गया, इसको तो हवा में उड़ाना पड़ेगा। गाइज अगर आप इस रोबोट को गोडजिला के साथ लड़ते हुए देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट जरूर लिखें, और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।